लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टोंक के वनस्थली विद्यापीठ के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ने परेड ग्राउंड पर मार्च पास्ट की सलामी ली। छात्राओं को घुड़सवारी के करतब देखने के साथ ही फ्लाइंग की गतिविधियों की भी जानकारी ली। इसके साथ ही विद्यापीठ में युवा संसद की कार्यवाही में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्राओं के अद्भुत क्षमताओं को देखकर लगता है कि भविष्य में 100% महिलाएं राष्ट्र का नेतृत्व करेंगी। हमारे लोकतंत्र में नौजवानों की सक्रिय भागीदारी हो, उनकी हिस्सेदारी हो, संसद की गतिविधियों में वो भाग लें, इसके लिए समय समय पर हम अलग अलग शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को भारत की संसद में दिखाते हैं। हमारे उन नेताओं ने जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया, नए भारत में योगदान दिया, उनके जीवन पर भी संसद के अंदर उनकी जयंती पर समय समय पर चर्चा कराते हैं, ताकि हम विरासत को भी याद करें और विरासत के साथ हम आधुनिकता में बढ़ते भारत की तस्वीर को भी देखें।